But priority is just to put it for the children of underprivileged families. Scholar is holier than the blood of a martyr. Yani jo ek alim aur ek jo wo shakhs jo ke ilm ke maidan mein nikle, taleem ke usool mein nikle, uska jo qalam hai, uski jo ink hai, usko shaheed ke khoon se bhi zyada bada kaha gaya. Hum dekh rahe hain ki hamari wadi kashmir mein aise idare badh rahe hain, aise institutions samne aa rahe hain, local institutions, private institutions. Jis tarah se aapka ye irada jo hai Four Friends Public School, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी कोशिश जो आज से तकरीबन 1500 साल कबल हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के जो उसकी नक्श कदम पे चलते हुए उस वक्त आप देखेंगे 1896 में 1896 में जब इस्लामिया हाई स्कूल की बुनियाद डाली गई, उन हालात में जबकि कोई स्कूल नहीं था, मुसलमान बिल्कुल जो है वो मुसलमान बच्चे तालीम से महरूम थे, गुरबत थी, इफलास था, उस जमाने में सर सैद कश्मीर मीरवाइज अल्लामा रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद डाली तालीम की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि उस हवाले से जो काम हो रहा है कि आज हमारे हर इलाके में जो है वो बेहतरीन मॉडल स्कूल्स कायम किए गए, और मैं वाकई मुबारकबाद देता हूँ पूरे इस हमले को, सैनी साहब को, इस इलाके को। ये मुझे बता रहे थे कि किस तरह से इस स्कूल का मकसद और जो मुद्दा है वो कमर्शियल बुनियादों पे नहीं है, ये सिर्फ ये है कि आला तरीन तालीम जो है वो कम से कम जो है वो फीस में, कम से कम इखराजात में यहाँ के हमारे तलबा और तालिबात को मुहैया की जाए। और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हम इनसे कोई एडमिशन फीस भी नहीं लेते हैं, मिनिमल हमारा फीस है, स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हम बेहतर से बेहतर इनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि वाकई आज के दौर में जबकि हम देख रहे हैं कि मादियात का दौर है, कमर्शलिज्म का दौर है, इस दौर में इस किस्म का जज्बा और इस किस्म के जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या खिदमत खल्क हो सकती है। और इस इलाके के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक मजदूर पेशा इलाका है, एक 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 जो है वो पसमानदा इलाका है, उस इलाके में इतना अच्छा एक मॉडल स्कूल क्रिएट करना, इतनी फैसिलिटीज इनको देना, एक मजदूर पेशा इलाके में इस किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मैं ये वाकई समझता हूँ कि हुसैन साहब और पूरी उनका अमला जो है वाकई मुबारकबाद की मुस्तहकियत करें। और ये भी लाजमी है कि इल्म के असूल के साथ, एजुकेशन के साथ साथ, हमें तालीम के साथ साथ हमें तरबियत पर भी जोर देना है, क्योंकि तालीम का हसूल जो है वो बिल्कुल तब तक अपना वो हदफ हासिल नहीं कर सकते जब तक कि माशरे में हमारा किरदार, हमारे वैल्यूज, हमारे मॉरल्स जो कि हमें खासकर दीन जिसकी हमें दावत देता है। और आप देखेंगे कितना लाजमी है कि तालीम के हसूल को नूर कहा गया है, जो है वो दुनियावी तालीम के साथ साथ जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ दीनी तालीम, दीनी तरबियत और खासकर इस्लामिक वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज के हवाले से भी हम जो है उनको इंशाल्लाह उस पर जोर देते रहेंगे और उसको हम फरामोश नहीं करेंगे।